अब बात रोहतक गैंगरेप से खबर की जुड़ी हुई है। रोहतक गैंगरेप मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। प्रदेश के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। रोहतक में महिला से गैंगरेप और हत्या मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इस मामले में डीजीपी ने एएसआई जोगिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। एएसआई समुद्र सिंह को भी लंबित कर दिया है। इसके अलावा सोनीपत के एसएचओ अजय मलिक को लाइन हाजिर किया गया है और 3 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एएसआई जोगिंदर सिंह है सिटी सोनीपत के उसको तो तुरंत उसको सस्पेंड किया जाता है। तो अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन के जो एएसआई है समुन्द्र सिंह उसको भी सस्पेंड किया जाता है और पुलिस स्टेशन के जो सिटी पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं अजय सिंह मलिक को भी पुलिस लाइन में हाजिर किया जाता है तुरंत प्रभाव से। डीजीपी ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा जो टॉप प्रायोरिटी है वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। मैंने सभी एसएचओ को और हमारे जो डीएसपी हैं उनको कहा है कि महिलाओं से संबंधित जितने भी मामले आते हैं उसको सीरियसली लें और उस पर उचित कार्रवाई उसी समय करें। इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए हरियाणा पुलिस कमर कस चुकी है। हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू के मुताबिक इस मामले में पुलिस 1 महीने के भीतर कोर्ट में चालान पेश कर देगी और पुलिस की कोशिश रहेगी कि 3 महीने में फैसला हो जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।